जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ओवैसी की सभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, झारखंड के डूमरी में रैली के दौरान हुई है घटना, पुलिस ने दर्ज कर लिए FIR। LPG सिलेंडर के बाद मोदी सरकार देने जा रही है एक और तोहफा, जल्दी ही मिल सकती है पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत। गैस सिलेंडर के दामों की घोषणा के पहले ही दिन बुकिंग में 50% तक का हुआ है इजाफा। मनमोहन सरकार के चुनाव में वक्फ बोर्ड को दे दी थी दिल्ली की 123 संपत्तियां, अब मोदी सरकार ले रही है वापस। मोदी सरकार का चौंकाने वाला फैसला, अगले महीने 18 से लेकर 22 सितंबर के लिए बुलाया गया संसद का स्पेशल सत्र। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सावन में गैस सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं के खाते में वापस मिलेंगे 500 रुपये। PM मोदी के 73वें जन्मदिन पर BJP का स्पेशल प्लान, 16 दिन तक पूरे देश में चलाएगी सेवा ही संगठन कार्यक्रम। PM मोदी की काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं CM योगी, बनारस को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगा आदि शंकराचार्य मूर्ति का लोकार्पण, साथ ही में PM आएंगे ओंकारेश्वर। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 80% भारतीयों को अब भी है PM मोदी पर भरोसा, साथ ही दुनिया में भी बड़ा है भारत का कद। सदन में PM मोदी पर गलत टिप्पणी करने के बाद में अधीर रंजन चौधरी ने विशेष अधिकार समिति के सामने मांगी माफी, जिसके बाद में लोकसभा से सस्पेंशन भी हटा। विदेशी पर्यटकों को खूब भा रहा है भारत, 2023 के पहले 6 महीनों में 44 लाख विदेशियों ने घूमा इंडिया। चंद्रयान 3 की सफलता देख इसरो का मुरीद हुआ है रूस, चीन का दामन छोड़ रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसमोस्कोस ने भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने को तैयारी कर दी है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा PM उम्मीदवार होगा नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सच्चा और ईमानदार। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कप्तान ने बयां किया दर्द, कहा नीरज चोपड़ा भैया के लिए खुश हूं लेकिन हमें भी थोड़ी सी पहचान चाहिए। छत्तीसगढ़ में BJP का चुनावी बिगुल, कांग्रेस के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे आरोप पत्र। CM गहलोत से मिले फोन पर खुश हुई दादी, बोली वोट तो मोदी को ही दूंगी। उत्तराखंड में आपदा से अब तक 1335 करोड़ रुपए का नुकसान, CM धामी ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। अडानी ग्रुप की फिर से बड़ी मुश्किलें, एक और रिपोर्ट के बाद टूटे शेयर के दाम। चीन के नक्शे पर राहुल गांधी बोले लद्दाख पर PM मोदी बोल रहे हैं झूठ, कांग्रेस ने G20 में चीन को घेरने की भी मांग करी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कही बड़ी बात, चीन और पाकिस्तान पर फिदा है राहुल गांधी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के पोस्टर पर राहुल गांधी को सबसे आगे रखने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गायब करने को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में पोस्टर हटाते हुए नए पोस्टर भी जारी किए गए। चौकीदार और मोहब्बत के दुकानदार सब एक जैसे हैं, ओवैसी ने PM मोदी और राहुल गांधी पर कसा तंज। नए सेवा कानून को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं अफसर। एक और अफ्रीकी देश में तख्ता पलट, चुनाव में विजेता घोषित होते ही राष्ट्रपति बंधक, सेना ने TV पर कर दी घोषणा। एलान मस्क का बड़ा ऐलान, अब X यानी कि ट्विटर से कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉल। कांग्रेस ने किया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, अरविंद सिंह लवली को मिली कमान। फ्री फायर के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, लंबे इंतजार के बाद भारत में खास वर्जन के साथ में 5 सितंबर को होगी धमाकेदार वापसी। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का किया फैसला, इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी टूटने के कगार पर हो और उसे बचाने की कोई भी गुंजाइश ना हो तो ऐसे में पति पत्नी को एक साथ रखना क्रूरता के समान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर है बिल्कुल तैयार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए BJP जल्दी देश भर में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क अभियान चलाएगी, जिसका नाम मिशन शंखनाद रखा गया है। पेंशनर्स को शिवराज सरकार की सौगात, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, आदेश भी कर दिया है जारी।
रसोई गैस की गिरी कीमतों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज, हर एजेंसी को 1 से 2 लाख रुपए तक का हो रहा है नुकसान, अध्यक्ष बोले ऑयल कंपनियां ही करेंगी भरपाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। चीन ने नए नक्शे पर भारत की आपत्ति का दिया जवाब, ताइवान ने भी किया है आगाह। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को चीनी सीमा में दिखाने वाले नए नक्शे पर भारत की आपत्ति का अब चीन ने जवाब दे दिया है। इस नक्शे पर ताइवान के विदेश मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है और 28 अगस्त को चीन ने एक नया नक्शा जारी किया था, इसे चीन ने स्टैंडर्ड मैप बताया था। इस नक्शे में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश और साथ ही अक्साई चीन को चीनी सीमा में दिखाया गया था और भारत ने इस नक्शे के मामले में चीन से राजनीतिक स्तर पर विरोध भी दर्ज किया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस नक्शे पर कहा था कि बेतुके दावे करने से कोई दूसरे का क्षेत्र नहीं हो जाता है। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में भारत के विरोध का भी जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिन ने कहा है कि 28 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 2023 का स्टैंडर्ड मैप जारी किया था। चीन में कानून के मुताबिक प्रभुकता की प्रक्रिया को एक नियमित प्रथा है और हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष इस मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ रहेगा और शांति से काम लेगा। संबंधित पक्ष इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने से भी बचे, मतलब कि कुल मिलाकर चीन ने यहां पर भाषण देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगली अपडेट की बात करें तो सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, सितंबर के महीने में कई अहम वित्तीय नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि सितंबर महीने में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इनमें सबसे अहम काम 2000 रुपये के बचे हुए नोटों को 30 सितंबर तक बदलाने जैसे कई जरूरी काम भी शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले बदलाव की बात करें तो गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह लाभ पहले से ही मिल रही 200 रुपए की सब्सिडी के अलावा से मिलेगा। ऐसे में इस योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए का लाभ मिलने वाला है और सरकार ने इस अहम फैसले का ऐलान अगस्त में ही कर दिया था। ऐसे में जब आप सिलेंडर को सितंबर में बुक करेंगे तो आपको प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम का भुगतान करना होगा। सितंबर महीने में होने वाले अगले बदलाव की बात करें तो आधार कार्ड को दोबारा कराना होगा वेरीफाई। जी हां दोस्तों, अगर आपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इसे 14 सितंबर 2023 तक फ्री में अपडेट कराना होगा। आपको बता दें कि UIDAI ने 14 सितंबर तक आधार को फ्री में अपडेट कराने की समय सीमा तय की है और पहले ये सुविधा केवल 14 जून तक ही थी, लेकिन इसके बाद में इसे बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया गया है। 1 सितंबर से लगने वाले नए नियम की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड है तो सितंबर महीने से इसके नियम और शर्तों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 सितंबर से नए कार्ड धारकों को सालाना शुल्क के तौर पर 12,500 रुपये प्लस GST देना होगा, वहीं पुराने ग्राहकों को 10,000 रुपये प्लस GST देना होगा। पूरे वर्ष के दौरान 25 लाख रुपये तक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा। अगला बड़ा बदलाव SBI बैंक को लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, SBI बैंक की एक बहुत ही बड़ी सुविधा 1 सितंबर से हो जाएगी बंद। अगर आप भी SBI की वे केयर स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो सितंबर महीने तक ही आप ऐसा कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश की समय सीमा 30 सितंबर 2023 को रखी गई है और SBI की इस स्कीम का फायदा वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों की तुलना में 5 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए 7.5% तक ब्याज भी मिलता है। अगले बदलाव की बात करें तो CNG और PNG की कीमतों में भी होगा बदलाव। जी हां, सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत का ऐलान किया है और अब CNG और PNG उपभोक्ताओं को भी उम्मीद है कि सितंबर महीने से उन्हें राहत मिलेगी। आने वाले त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं पर दबाव कम करने के लिए सरकार इनकी कीमतों में कटौती का भी ऐलान कर सकती है, हालांकि इसका खुलासा अभी अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है। अगले महीने से करा लेना होगा ये जरूरी काम। जी हां दोस्तों, आधार और पैन कार्ड को भी लिंक करवाना अब अनिवार्य हो चुका है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई भी नागरिक इस महीने के अंत तक पैन आधार को लिंक नहीं कराता है तो फिर उसका पैन कार्ड सितंबर महीने के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो इसका सीधा असर आपके डीमैट अकाउंट पर भी पड़ सकता है।
अगले बदलाव की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की आखिरी तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में अगस्त महीने के अंत में होने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए रात की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लंबे समय बाद सितंबर महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट, डीमैट खाता पूरा कराने की भी आ चुकी है अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो आपको यह काम भी 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को उक्त तिथि के बाद में सेबी द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।